हमीरपुर में किसानों के लिए मृदा परीक्षण लैब से टेस्टिंग के बाद बिजाई करने पर बढ़िया परिणाम सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग हमीरपुर में जिला भर से किसानों के खेतों से सैंपल इकट्ठे करके मृदा परीक्षण लैब में टेस्टिंग के बाद खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस साल भी 3,624 हेल्थ कार्ड बनाने के लिए टारगेट रखा गया था और इसमें से 2,669 सैंपल टेस्ट करने के बाद किसानों को दिए जा चुके हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए मुहिम के तौर पर भी काम किया जा रहा है ताकि किसान खेती बाड़ी में मुनाफा कमा सकें। कृषि प्रसार अधिकारी ऋषु कुमारी ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर किसानों की जमीन के सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और किसान सीधे तौर पर भी कृषि विभाग में मृदा सैंपल दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि मृदा सैंपल की जांच के बाद किसानों को किस प्रकार की खेती करनी है उसके लिए सलाह दी जाती है। जैसे बिजाई से पहले हम सैंपल लेते हैं और फिर उनको हम बता देते हैं कि कितना क्या डालना है। इससे जैसे अगर कुछ लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ कम डाल देते हैं, तो उससे उनके जो उर्वरक है उनका उनको पता चलेगा कि कितने अमाउंट में डालना है और उस हिसाब से उनके पैसे की बचत होगी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा डाल देंगे तो उसमें उनका ज़्यादा पैसा लगेगा। हमें कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें टारगेट मिले होते हैं, उस हिसाब से जो हमारे ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं वो फील्ड से किसानों से सैंपल लेके यहाँ पे दे जाते हैं। और किसान, अगर कोई किसान चाहता है कि वो अपने आप भी लेके आना चाहता है तो वो ला सकता है। और उस मिट्टी में हम ये जांच करते हैं कि उस मिट्टी में जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कितने हैं और जो जैसे हमारी जो फसल है उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोगों को उसकी रिकमेंडेशन देते हैं कि उस हिसाब से आपने कितना फर्टिलाइज़र डालना है। और हम 30 सैंपल एक दिन में कर लेते हैं। जिला कृषि अधिकारी उपनिदेशक एवं मृदा परीक्षण अधिकारी अजय कुमार चोपड़ा ने बताया कि हर साल मृदा परीक्षण के लिए टारगेट के तहत काम किया जाता है और इस बार का टारगेट भी पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को प्रशिक्षण देकर भी मृदा परीक्षण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में हमीरपुर जिला को देश भर में मृदा परीक्षण कार्ड बनाने में राष्ट्र स्तर का अवार्ड मिल चुका है। वर्तमान में सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए 3624 सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल सैंपल्स का टारगेट था, जिसमें से 2669 सैंपल जो हैं कृषि विभाग के मृदा परीक्षण में टेस्ट कर किए जा चुके हैं और 2352 कार्ड अभी तक किसानों को बांटे जा चुके हैं। बाकी कार्ड भी किसानों को जल्द ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और किसानों को प्रशिक्षण इस स्कीम के तहत इस बार हम किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में जाके प्रशिक्षण देंगे इसके बारे में और प्रदर्शनी प्लाट भी लगाएंगे। इसमें 35-40% आपको फायदा होता है, किसान की इकोनॉमी में भी इसमें फायदा होता है, क्योंकि जब संतुलित खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके कम पैसे में वो उतनी खाद आएगी। जबकि किसान हमारा अदरवाइज क्या करता है, अपनी मर्जी से खाद खरीदता है, जहाँ 5 किलो की जरूरत है वहाँ 10 किलो डाल देता है, जहाँ 10 किलो की जरूरत है वहाँ 20 किलो डाल देता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती है। पौधा उतनी ही खाद लेता है जितनी सॉइल हेल्थ कार्ड में मेंशन की जाती है और इसमें हमने स्पेशली उनको दिखाया होता है कि एक हेक्टर में आपने कितनी खाद डालनी है, उसी के हिसाब से वो खाद डालेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी, अवश्य होगी। 21 अप्रैल 2016 को पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य क्षेत्रों में जिला हमीरपुर को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दरअसल उस समय क्या था कि दो साल का एक साइकिल था, 2015-17 तक हमने पूरे जिला को कवर करना था, जबकि जिला हमीरपुर ने 2015-16 अप्रैल तक ही वो टारगेट को पूरा करके सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पे उसको चढ़ा दिया था, जिससे कि जिला हमीरपुर प्रथम आया था। गौरतलब है कि मृदा हेल्थ कार्ड बनाने में भी हमीरपुर जिला को वर्ष 2016-17 में देश भर में अव्वल रहने का अवार्ड मिल चुका है और तब से लेकर कृषि विभाग मृदा परीक्षण करके खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए जुटा है और इसके बाद बढ़िया परिणाम भी सामने आ रहे हैं।